दोस्तों आज हम बात करते हैं डेंगू टेस्ट के बारे में। डेंगू के टेस्ट कई तरीके से हो सकता है, इसमें मुख्य रूप से एलाइजा टेस्ट प्रमुख है और एक किट टेस्ट प्रमुख है। किट टेस्ट के अंदर जो है हम तीन तरह से टेस्ट करते हैं, एक तो NS1 एंटीजन, IgM एंटीबॉडी, IgG। NS1 एंटीजन इस चीज को बताता है कि वायरस या वायरस के कोई पार्ट बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जबकि एंटीबॉडी अपने शरीर का रिएक्शन है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है। यदि ये रिसेंट इन्फेक्शन में IgM एंटीबॉडी बनती है और यदि पुराना इन्फेक्शन है तो IgG बनती है। एलाइजा टेस्ट ज्यादा रिलायबल रहता है और ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से एलाइजा ही अप्रूव्ड है, एलाइजा ही करवा लाना चाहिए। एलाइजा में भी सेम चीज हम पता लगा सकते हैं, NS1 एंटीजन, IgG, IgM सब के पर रखते हैं। धन्यवाद।